आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने फिर से समन किया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक बार बार पूछने पर भी ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं, ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं, ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। हम सब ये बात जानते हैं, पिछले डेढ़ साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डेढ़ साल हो गया है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है, चार्जशीट के बाद इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया जा रहा है? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो डेढ़ साल से चल रही है, आपको डेढ़ साल बाद याद आया? इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को और ईडी को देने चाहिए। यह बात जानते हैं कि मनीष जी को करीब एक साल से गिरफ्तार किया हुआ है, उनके खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। आज नहीं तो कल मनीष जी निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे, ये बात केंद्र सरकार भी जानती है। इसलिए सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। हम सब ये चीज देख रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको किसी ना किसी मामले के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, मगर उनके अंदर कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। जिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मुकुल रॉय हो, कैंपेन चलाया गया, कहा गया मुकदमे किए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब मामले समाप्त हो गए। हेमंत विश्व शर्मा हो, पेमा खंडू हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं, उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की कैंपेन से रोकने के लिए प्रायोजित है। धन्यवाद। सौरभ जी, पहली बार जब ईडी का समन आया था, उसके जवाब में आप लोगों ने ये पूछा था कि किस हैसियत से बुला रहे हैं, लेकिन ये भी कहा था 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब फिर ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले, तो ऐसे तो देश में चुनाव होते ही रहते हैं। नहीं, लोकसभा के बाद कोई चुनाव नहीं है, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। कहाँ है? हरियाणा का चुनाव तो देर है, वो तो देर में, तो बहुत देर में। तो लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जाएंगे, ईडी के समन का जवाब मतलब जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया,
कि ईडी ने अब तक नहीं बताया कि उनको वो किस हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, एक्यूज की हैसियत से बुला रहे हैं, ऐसे ही बुला रहे हैं, ये ईडी बताए। कानूनी किस तरह की आपको राय मिली है, क्योंकि एक एक सीमा तक ही आप नोटिस के ऊपर ना जाए तो क्या कब तक स्किप किया जाएगा? कानून चल ही कर रहा है, तो पूरी की पूरी राजनीति चल रही है, कानून से काम चल ही कर रहा है। ऐसा कानून कहीं देखा है आपने कि जो आदमी एक्यूज्ड हो, ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हो, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और फिर सारे मामले खत्म हो जाए? ये कानून में कहां लिखा है? मुझे तो इस देश का कानून ऐसा नहीं मालूम कि ऐसा था। और मैं तो आपको एक नहीं दर्जनों उदाहरण दे रहा हूं, सीबीआई ईडी के मुकदमे हुए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन चली और वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उनके यहां उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके यहां मुख्यमंत्री बन गए और फिर वो सारे के सारे मामले शांत हो गए। तो कानून मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कानून कौन से देश के अंदर है। सौरभ जी, आप जांच में सहयोग की बात कह रहे हैं, लेकिन जांच में सहयोग होगा कैसे जब आप जाएंगे ही नहीं? अगर पेश होंगे तभी तो जांच में सहयोग एक तरीके से कड़ी माना जाता है। जांच में सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में बंद कर दें और हम जांच के अंदर सहयोग कर रहे हैं। भाई, आपने जितनी जानकारी पार्टी से मांगी पार्टी ने दे दी, आपने पार्टी के ट्रेजरर साहब को बुलाया, जितनी भी पैसे से संबंधित जानकारियां हैं वो उनके सामने रख दी गई। आपको और कोई पार्टी से जानकारी मांग लीजिए, आप मांग लीजिए, पार्टी के अकाउंट्स तो सारे बैंक्स के अंदर हैं, सारी जानकारी जो है ईडी इतने डेढ़ साल से पूछताछ कर रही है, एक एक आदमी को बुला के उन्होंने पूछताछ कर लिया, पोस्टर लगाने वाले आदमी तक को पकड़ के उन्होंने पूछताछ कर ली, और कितनी जांच करेंगे? सौरभ जी, लेकिन अगर हम टेक्निकलिटीज पे बात करें, तीन समन के बाद ईडी के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकती है। हमने देखा हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और वो इसमें जो है अभी तक उनको सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से राहत मिली, वो स्किप करते जा रहे हैं। देखिए, टेक्निकलिटी ये क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मगर टेक्निकलिटी तो कानून का ही एक सब टॉपिक है कि कानून की टेक्निकलिटी, कानून चल कहां रहा है? कानून होता तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी कानून अपना काम कर रहा होता, उन लोगों को सम्मन आ रहे होते, उन लोगों की चार्जशीट हो रही होती, वो गिरफ्तार हो रहे होते, हो कहां रहा है? तो कुल्लन कुल्ला है, कोई लाल लपेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो इसको छुपाने के लिए झूठे को ही सम्मन दे दें अपने आदमी को ना। हेमंत बिश्व शर्मा आ गए भारतीय जनता पार्टी में, मुख्यमंत्री बन गए, मामला खत्म है। शर्म के लिए भी ऐसा नहीं है कि चलो झूठे को ही हेमंत बिश्व शर्मा को बुला ले, लोग बहुत बदनामी कर रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, ऐसा भी नहीं है। सौरभ जी, एक तरफ झारखंड में ईडी का एक्शन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ब्लॉक की जो लीडर है उनको टारगेट किया जा रहा है? अभी भी मुझे कहने की जरूरत है क्या जी, बीजेपी ने? मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी अपोजिशन लीडर के यहां, किसी अपोजिशन पार्टी के यहां छापा पड़ना, इसकी स्पेस तो अखबारों को रोज शाम को वैसे ही रख लेनी चाहिए, उसमें बस भर देना चाहिए। अच्छा झारखंड में, झारखंड डाल दो, अच्छा बंगाल में, बंगाल डाल दो, अच्छा वहां पर आ गया दिल्ली के अंदर, अच्छा पंजाब के अंदर, वो नाम भर दिया करो, रोज आप एक कॉलम जो है उसके लिए बचा के रखिए। दूसरा मामला है और पहले बहुत बड़ा मामला हुआ था सीए वाला, अब ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय इसको नोटिफाई करा सकता है और इस तरफ राम मंदिर भी चल रहा है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीए को लागू क्यों कराया? अब अगर मैं कहूंगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्यों किया जा रहा है तो मेरे दूसरे मित्र कहेंगे अरे चुनाव तो देश में चलते ही रहते हैं, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। अयोध्या की डेट लोकसभा चुनाव से पहले क्यों है, सीए की डेट लोकसभा चुनाव से पहले क्यों है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के चुनाव से पहले क्यों बुलाया जा रहा है, ये समझते सब लोग हैं, मगर प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछ लेंगे अरे साहब अब नहीं तो तब हो जाएगा, तब नहीं तो अब हो जाएगा, अरे इससे बड़ा चुनाव कोई ना देश में कोई। क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जाएंगे क्या? अरे हमारी पार्टी तो कोर्ट में ही रहती है ज्यादातर समय, तो जाएंगे इस मामले में? अब बचा क्या है इस देश के अंदर, कोर्ट कचहरी ही बची हुई है और कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या आप जाएंगे इस मामले में? अब देखेंगे वकील साहब क्या बताएंगे, अभी तो आप लोगों की कोर्ट में है, आप बताओ फैसला। सर अभी बीजेपी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से डरते हैं, उन्होंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अकेला छोड़ दिया है,
तो क्या बोलूं मैं इस पे, बताइए। उनके पास कोई काम कोई ना, भारतीय जनता पार्टी के पास।